हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह इन वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, मैंगो की रेसिपीज तो मैंने बहुत बना ली, ड्रिंक बना ली, तो आज मैंने सोचा क्यों ना वाटरमेलन का कुछ बनाया जाए, तो इसलिए मैं आज की लिखे आई हूँ आपके लिए वाटरमेलन पंच। तो ये ड्रिंक मेरी समर की बहुत ही बेस्ट ड्रिंक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। वाटरमेलन पंच बनाने के लिए हमें चाहिए वाटरमेलन, ये मैंने डाइस किए हुए हैं वाटरमेलन को, पुदीना, आइस क्यूब्स, चाट मसाला, रूह अफ़ज़ा, ये आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज वाटरमेलन और इटसेल्फ मीठे होते हैं, ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। लेमन जूस और काला नमक। सबसे पहले हम जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे वाटरमेलन जो हमने क्यूब्स में काटे हुए हैं, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप बनाना चाहते हैं। मैंने 1 से 1.5 कप लिया हुआ है। अब ऐड करेंगे आइस क्यूब्स ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि ठंडा ठंडा चिल्ड अच्छा लगता है। थोड़ा सा लेमन जूस 1 से 2 चम्मच। अब ऐड करेंगे पुदीना लीव्स, रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ मैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इटसेल्फ मीठे हैं तो रहने दीजिएगा, अगर ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक, काला नमक है ये, और चाट मसाला, ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं दोनों चीज़ें। अब हम इसको घुमाएंगे, इसको अच्छे से करना है, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वाटरमेलन में पानी पहले से ही होता है। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है वाटरमेलन पंच, मैं इसको पोर करके दिखाती हूँ। मैंने ग्लास लिया है, मैं इसको स्ट्रॉबेरी सिरप से डेकोरेट कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा लगता है, बच्चे खुश होकर पीते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है, डिज़ाइन अपने आप बन जाएगा। तो इसमें पोर करते हैं हम अपना वाटरमेलन पंच, सारा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे, मैं आइस क्यूब डालूँगी और थोड़े से पुदीना वगैरह, आप गार्निश करना चाहते हो तो उससे कर सकते हैं। हमारा रेडी हो चुका है वाटरमेलन पंच, समर की बेस्ट ड्रिंक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ठंडा ठंडा आजकल मौसम है। सो गाइस, आई होप आपको ये मेरी वाटरमेलन पंच ड्रिंक की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अगली बार मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फूड पैराडाइज़।